सूरज की रोशनी आपकी हो जाए, चुपके से सूरज की रोशनी आपकी हो जाए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग। आज संडे है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कैथेड्रल चर्च ऑफ मैरी जो लाई मुखरा में है। यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ेगा 4.1 किलोमीटर। गूगल के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है 4.1 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अभी वक्त हुआ है मॉर्निंग का 9:25, जाते पहुँच जाएगा शायद 10:30। मैं कैथेड्रल चर्च ऑफ मैरी में जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लेसिंग भी हो जाएगा। हाँ यार, वो कैथेड्रल चर्च जो है मेरा ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार जा चुका हूँ लेकिन संडे में कभी नहीं गया। संडे है इसलिए थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है इतना। तो गाइस नहीं पता है कि यार मेरा पैर क्यों दुख रहा है, शायद कल इतना बतकने की वजह से मेरा पैर दर्द हो गया। तो गाइस अभी मैं राइनो पहुँच गया हूँ लेकिन नहीं पता मेरा पैर दर्द हो रहा है, दुख रहा है। पहुँचने ही वाला है सिविल हॉस्पिटल, तकरीबन मुझे अभी भी 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ सिविल हॉस्पिटल। अब ये देख सकते हो सिविल हॉस्पिटल का गेट। तो गाइस सिविल हॉस्पिटल का एक ही गेट नहीं, 2 गेट है, ये देख सकते हो आप, इधर भी एक गेट है। और गाइस ये सिविल हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारा दुकान मिलेगा आपको। क्रॉस कर लिया सिविल हॉस्पिटल। गाइस ये है मल्की पॉइंट। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ, ये जो आप ओवर ब्रिज दिख रहे हो ये क्रॉस करते ही मिलता है। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये रोड। गाइस ये है गेट, एक्चुअली ये चर्च का 2 गेट है, एक है इस तरफ और एक है उस तरफ भी है एक गेट। गाइस मैं अभी चर्च में आ गया हूँ कचरे। तो गाइस आप ये देख सकते हो इतने सारे कार्स पार्क करके रखा है, यानी कि बहुत सारे लोग आए हैं चर्च में, सिर्फ कार्स ही नहीं बाइक्स भी है। तो गाइस वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं करता चर्च के अंदर, लेकिन मैंने नहीं देखा था। तो गाइस ये है चर्च से बाहर व्यू। तो गाइस आप देख सकते हो फुल व्यू ऑफ चर्च, पूरा व्यू। हाँ आप देख सकते हो इतना सारा लोग आया हुआ है, इतना सारा कार्स यहाँ पर पार्क करके रखा है। तो गाइस ये मैं रास्ते से ये फोटो ले रहा हूँ, वो वीडियो ले रहा हूँ रास्ते से। आप देख सकते हो ये है रास्ता और ये गेट, ये है चर्च। चर्च के ऊपर भी बहुत सारा कार्स पार्किंग करके रखा है और बाहर भी रास्ते पर बहुत सारा कार पार्क करके रखा है क्योंकि उधर जगह कम है इसलिए। तो गाइस ये नीचे भी एक चर्च है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया लेकिन यहाँ पर हिंदी से प्रे होता है। ऊपर का जो बड़ा चर्च है वहाँ पर खासी लैंग्वेज से प्रे होता है। तो अभी समाप्त हो गया है। फादर मैं बताने भूल गया, फादर कन्याकुमारी से है ना, कन्याकुमारी तमिलनाडु, तमिलनाडु से है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा गाना गाएंगे। गाना गाने से पहले मैं एक छोटा सा शायरी बोलना चाहूंगा फादर के लिए। चुपके से सूरज की रोशनी आपकी हो जाए, चुपके से सूरज की रोशनी आपकी हो जाए, धीरे से हवा की झोंका आपसे कुछ कह जाए, जो दिल से चाहते हो फादर जी खुदा से मांग लीजिए, करेंगे हम आपका हर आशा करते हैं हर ख्वाब पूरा हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग एक छोटा सा गाना गाएंगे। कामना शुभ कामना आपको,
अभी हम फादर से दो शब्द सुनना चाहेंगे हमारे हिंदी कम्युनिटी के लिए। सबसे पहले मैं आप सब उनके लिए धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके द्वारा आप लोग अपना प्यार को मुझे दिखाए हैं गाने के द्वारा और आप लोग का सबके द्वारा। मैं आप सब उनके लिए धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। और जैसे ब्रदर ने बताया शुरुआत में, मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। मैं तमिलनाडु से हूँ और मैं सलेशियन संस्था को संस्था के लिए 2010 में मैं ज्वाइन किया था। और हम लोग सलेशियन धर्म समाज में भारत में 12 प्रोविंस में हम डिवाइड हुए हैं, उसी में एक प्रोविंस है न्यू दिल्ली प्रोविंस, उसी में मैं ज्वाइन किया था 2010 में। और सर हम लोग न्यू दिल्ली धर्म प्रांत 13 राज्यों में हम लोग काम करते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, ऐसे 13 राज्य में हम लोग करते हैं। वैसे वही इलाका का काम करने वाला मैं और ब्रदर शशि एक ही बैच का है, हम लोग एक साथ शुरू किए थे जबलपुर में इसलिए। और आप लोग जानते हैं आजकल ब्लॉग का कमी हो जा रही है, फादर बनने के लिए या सिस्टर बनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ हम लोग के लिए, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम लोग एक एक करके आएंगे, फादर को विश करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। हम लोग गाना गाते रहेंगे ना, एक एक करके फादर को आएंगे और विश करेंगे। गाइस अभी बहुत कुछ प्रे कर लिया, देख लिया, सब कुछ ब्लेस हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है अभी भी और भूख भी लगा है, तो जाते हैं और रास्ते में खाते। गाइस ये रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है यार। लेफ्ट साइड का जो रास्ता है वो जाता है लाइमुखरा। पीना हो गया है तो अभी मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ। अब ये देख सकते हो हम दोनों यहाँ पर खा रहे हैं लेडी पार्क पर। और ये ब्लॉग यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। मैं ये लेडी पार्क का वीडियो दूसरा ब्लॉग में बनाऊँगा, तो मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में। तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करो और अगर मेरे चैनल में अब नए हो तो सब्सक्राइब करो।